शायद आपको पता होगा इंग्लिश भाषा में हम टू के बाद में हमेशा द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं फॉर एन एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गो विथ यू दूसरी एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू प्ले विथ यू देखिए मैंने दोनों सेंटेंसेस में आई वान टू गो टू गो आई वॉन्ट टू प्ले टू प्ले तो प्ले जो है द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू गो इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सो so, दोस्तों 99 नाइन परसेंटेज हम इंग्लिश भाषा में हमेशा टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्फ ही यूज़ करते हैं लेकिन कुछ ऐसे फ्रेजेज है जो टू के साथ एंड अप होता है और उसके बाद आने वाली जो वर्फ है वो हमेशा आईएनजी फॉर्म होती है यानी कि जीरोन फॉर्म होता है और अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मैंने देखा हूँ कि उन फ्रेजेस के बाद भी लोग ट्यू के बाद भी द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ कर देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है तो वो फ्रेजेस क्या है कैसी है कुछ फ्रेजेस मैं आपको अभी बताऊंगा और उसके साथ कुछ एग्जांपल्स भी क्रिएट करके दिखाऊंगा तो ये वीडियो आप पूरे अंत तक देखिए बहुत शॉर्ट वीडियो होगी ज़्यादा लंबी नहीं होगी लेकिन अगर इंग्लिश सीखने की चाहत अंदर में है तो चाहे जितनी भी लंबी वीडियो क्यों ना हो जरूर आप देखेंगे जैसे कि फ्रॉम टू एडिक्टेड टू डिवोटेड टू विथ अ व्यू टू टेकन टू गिवेन टू अवेयर्स टू ऑब्जेक्ट टू लुक फॉरवर्ड टू गेट प्लस यूज प्लस टू वी वर्ब्स प्लस ऑब्लिक वर प्लस टू प्लस आई एन जी फॉर्म यू हैव टू यूज तो जितने मैंने फ्रेजेस बोला पहले काम है आप पूरे ठंडा दिमाग से सारा उसको पहले लिख लीजिए आप राइट डाउन इज फ्रेज और मैं उन फ्रेजेस जितने सारे फ्रेजेस मैंने बताया उन सारे फ्रेजेस के बाद टू के बाद आईएनजी फॉर्म यूज़ होता है और आप कंफ्यूज ना हो लाइफ में कभी भी जो भी मैंने फ्रेजेस आपको दिया ऐसे और भी फ्रेजेस है आपको कैसे पता चलेगा जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो देखिए क्या टू के बाद ऐसी कोई फ्रेज है जिसके बाद आई लगी हुई है पूर्ण जागृति के साथ पढ़ना है पूरे होश के साथ जब किसी स्पीकर को सुने तो वो भी आप पूरे होश के साथ सुने कि उस फ्रेज के बाद टू के बाद आईएनजी यूज़ किया उन्होंने तो ऐसे सुनेंगे पूरे होश के साथ तो आपका मस्तिष्क आपका जो अवचेतन मन उसे कलेक्ट कर लेगा और इस तरीके से जितने सारे फ्रेजेज है डे बाय डे आपको पता चलते जाएगा तो मैं कुछ सेंटेंसेस बना के आपको दिखा रहा हूँ उन फ्रेजेस के साथ जैसे कि लुक फॉरवर्ड टू अगर आप बनाएंगे कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू इट इज इनकरेक्ट यू हैव टू से आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू I'm looking forward to getting your response. He is addicted to smoking. Never ever say that he is addicted to smoke. It's incorrect. He's prone to making the same mistake over and over again. Don't say he's prone to make the same mistake over and over again. It is incorrect. And the other phrases that I spoke in this video, please write down in your copies. Don't watch only. Learn. And write down and make some sentences. Learn the meaning of those phrases from the dictionary. Because if I tell you the meaning of each phrase, that video will be longer. So, in today's video, I gave you the phrases, and your next job is to find the phrases in the dictionary. Just find the word, the main word, and you will get the idiomatic phrases there. And after two, you will get some sentences and find out some examples. And you also create some examples. You also make some examples and write down in the comments. I will check the examples whether we are, whether you have written correctly or not. If you have not written correctly, surely I'll correct your sentence and I'll guide you in the comments. So it's your job. If you have a desire to be a speaker, and why to be a speaker? Why is it necessary? Because if you become a speaker, you'll enjoy, the, you'll enjoy the joy of speaking. You'll enjoy the joy of your presence. You'll enjoy the joy of your beauty. You'll enjoy the joy of sharing your knowledge. That's why it's important to be a good speaker. Sharing is the great thing ever evolved in the world. By becoming a speaker, whatever you collect, experience, want to help others through your words, you can ignite the lives of others. Thank you. All the best. May God bless you.